Namaste and welcome to our food series, The Chef. Well, it is true that we preserve the nicest and the richest food for the grandest of occasions. But the richness of food does not only concern with the psychological needs, because food is meant to be shared, and shared with those whom we want to impress. Feeding someone is the most intimate and direct way of conveying something to someone. Food needs to be contemporary, and every meal is a message. Where we eat is very important and as important as what we eat. Well, why do we not eat all our meals in the dining room? Well, the fact that we call it the dining room and not the eating room tells us the whole story. Dining room is reserved for only ceremonial meals. Now let's see what our chef is cooking for us today. Today's Hyderabadi special episode, we have along with us Chef Javed from Ishta Hotel, placed at Gachibowli. Hi, Chef. Hi, Namaskar. What would you teach our viewers today? What special, authentic Hyderabadi dish? Okay, morg is basically chicken. Okay, all right. Chicken ko achhi tarah se maine wash kar liya hai do teen paani se. Okay. Uske liye humne ye sare paste ready kar liye hain. Okay. Spices to sare ready hain hamare paas. Chef, could you also brief us on the ingredients that get into this dish? Zarur. Ye fresh coconut hai jisko paste karke rakha hua hai maine. Okay. Brown onion ka paste. Teri ka paste hai, white paste. Okay, and then when we talk about brown onion, is the onion brown or you roasted in? Yes, ऑयल में पहले ब्राउन करते हैं, इसको फ्राई करते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर, उसके बाद इसको पेस्ट करते हैं. ओके. कैशू नट को ब्राउन करके फिर पेस्ट किया हुआ है मैंने. रोस्टेड कैशू नट. जी. ओके. पीनट, रोस्टेड पीनट का पेस्ट है. ओके. धनिया पाउडर लिया हुआ है. कोरिएंडर पाउडर. तेज पत्ता है. लकड़ी है. लौंग है. छोटी इलायची है, ग्रीन इलायची. एंड जीरा पाउडर है. कुकिंग के लिए ऑयल लिया हुआ है. रेड चिली पाउडर. व्हाट इज दैट आफ्टर द ऑयल? लेमन जूस और समथिंग. लेमन जूस. ओके. लेमन जूस. लेमन जूस. योगर्ट है. एंड हल्दी एंड सॉल्ट एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट. ओके. एंड सो शैल वी स्टार्ट विद द प्रोसीजर? ओके. ये जो हैदराबादी कोरमा है ये निजामी क्यूजिन में आता है. जी, जो निजाम साहब के टाइम बनते थे. और यहाँ का लोकल कुजीन भी है जो काफ़ी स्पाइसी होता है, जैसे कि मिरप्पा काय कुड़ी, नाटू कुड़ी, वो लोकल लोग के लिए है जो स्पाइसी खाना होता है. लॉट ऑफ चिली. जी हाँ, उसमें ज़्यादा चिल्ली यूज़ करते हैं जो यहाँ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं. और निजाम साहब के टाइम ज़्यादा चिल्ली यूज़ नहीं करते थे, मीडियम स्पाइसी बनाते थे, ज़्यादातर नट्स वगैरह यूज़ करते थे. तो मैं आज निजामी कोरमा बनाने जा रहा हूँ. जिंजर गार्लिक किलो आँच में थोड़ा सा भुनना चाहिए. थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा इसमें, ताकि ये लगे ना और जले ना, काला ना हो. खड़े मसाले जो होते हैं, दालचीनी जी एंड तेज पत्ता, लौंग. क्लोव, हाउ मेनी क्लोव्स वेंट इनटू दिस? 4-5 पीस ओनली. स्मॉल पीस. जी, ग्रीन हरी इलायची, छोटी इलायची, 4-5 पीस. हाउ मच टाइम? 5 मिनट. जो गरम मसाले हैं सब उनके फ्लेवर ऑयल के साथ थोड़ा मिल जाए. अब ये हो गया है. तो मैं इसमें थोड़ा सा तिल का पेस्ट डालूंगा पहले. चश्मे पेस्ट. ये काफ़ी कड़वा होता है, तो ज़्यादा डालेंगे तो कड़वापन आ जाता है, इसलिए मैं एक स्पून ही डालूंगा. जी हाँ, सब बोल लूँगा. कोकोनट का पेस्ट. लोग ड्राई कोकोनट भी यूज करते हैं कोरमा बनाने के लिए, मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है. फ्रेश कोकोनट का एक अपना अलग टेस्ट होता है. मोर क्रीमी. जी हाँ. यस, 4 स्पून ताकि अच्छी तरह पके. कैशू नट पेस्ट 2 स्पून. जी. रोस्टेड एंड पेस्ट. रोस्टेड एंड पेस्ट.
कैन यू ऑल्सो ऐड बादाम पेस्ट इफ यू वांट टू, और वो बादामी कोरमा जो बनाते हैं उसमें ज़्यादा है बादाम। अच्छा, उसको बॉयल करके निकाल के बादाम का पेस्ट बनाते हैं। Brown onion paste and all of that. You're adding water to ensure that this doesn't get burnt. Yeah. This dish is basically spicy. Medium spicy. Medium spicy. Okay. You can make it more spicy if you want. More spicy इसको कर सकते हैं, but जो traditional है वो medium spicy, जो उनकी time चल रहा था वो लोग ज़्यादा spicy नहीं खाते थे। Because all the dry fruits go into it again. I mean almond or maybe cashew nut. Cashew nut. धनिया पाउडर ओके, कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर मैंने नाम सुना, जीरा पाउडर, योगर्ट, हाउ मच ऑफ योगर्ट इनटू दिस, योगर्ट मोर ऑफ कोकोनट, अ लिटिल ऑफ पीनट एंड द अदर थिंग। कोकोनट की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, बाकी चीजें की क्वांटिटी सेट में पेस्ट एंड पीनट पेस्ट एंड कैशु पेस्ट चिकन को बनाने के लिए पहले मसाले को भुना जाता है, क्योंकि अगर आप चिकन को पहले भुनोगे मसाले को बाद में डालोगे तो चिकन पक जाएगा वो जल्दी, मसाले को नहीं होंगे। तो मटन ऐसी चीज है जो मटन पहले पकती है मसाले बाद में जाते हैं, ताकि मटन पकने में थोड़ा टाइम लगता है, चिकन बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए पहले मैंने मसाला देने के लिए अरोमा सिंक होने का, बाद में इसमें चिकन ऐड करेंगे। ओके, लग रहा है मसाले हो चुके हैं। What is the main ingredient out of all these spices that go into this? Main ingredient मैंने जो दिए हैं इनमें से basically coconut से ज़्यादा flavour होता है, उसके बाद जीरा और आप धनिया का powder, okay, ये quantity ज़्यादा रहेगी इसका flavour अच्छा है। मैं भी chicken डालूँगा। How much time will it take altogether? 20-30 minutes only. For 1 kg chicken? 1 kg chicken. And if chicken is overcooked, normally it tends to break. Yes, overcooked ho jata hai, to uske reshe jo hai, wo dikharne lag jate hai. Okay, I can feel the aroma now and I get to see, you know, that lumping coming up. Oil starts to float. मटन चिकन मेरा अभी 90% करीब पक गया है, तो उसमें थोड़ा पानी डाल के इसको अभी जो 10% बाकी है उसको मैं अभी इसको थोड़ा बंद करके अच्छी तरह से पकाना चाहूँगा। ओके, तो अभी मैं थोड़ा पानी डाल के इसको बंद कर दूंगा 10 मिनट के लिए। Close this with a lid and let it cook for about 10 minutes. अभी इसको मैं बंद करूंगा तो 10 मिनट के लिए, तो जो बाकी अंदर का एक 90-10% जो चिकन बाकी है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, अरोमा एंड स्पाइसेस विल गेट राइट। शेफ, हाउ इज दिस कुकिंग चिकन कुक्ड? यस, अब मेरे हिसाब से कुक चिकन जो है अच्छी तरह पक चुका होगा। ओके, कलर कह रहा है कि चिकन पक चुका है, अच्छा कलर आ गया है, अच्छा रोगन आ रहा है ऊपर, ऑयल इज फ्लोटिंग। ओके, तो अब मैं इसमें खाली लेमन जूस ऐड करूंगा। ये लेमन जूस इसमें डाल रहा हूँ मैं, जो हल्का सा इसका लेमन का फ्लेवर आएगा, हल्का सा टैंगीनेस टू द डिश बेसिकली। इसको मैं ज्यादा लेमन जूस डाल के पकाना नहीं चाहिए, बस अभी मैं इसको अब निकाल दूंगा। ओके, आई आल्सो फॉरगॉट टू आस्क यू, यू कैन प्रोबब्ली ऐड इवन ग्रीन चिलीज, जो मिर्ची होता है मिर्ची का सावन लोग ज्यादातर गार्निश के ऊपर लेते हैं। ओके, बट इसमें मैंने नहीं, इंस्टेड ऑफ चिकन कैन वी ऐड चिलीज, जैसे चिली का जो साग होता है। जी हाँ। ओके, हैदराबादी मोर्ग कोरमा। यस, हैदराबादी मोर्ग कोरमा रेडी है।
I think this will also taste nice with some plain white rice, right. Hot white rice steaming. Yeah. And people here in Hyderabad also have a habit of, having chicken with dosa, appam. Ah, okay, so the people like yeah. Local people who are here. Chapati, roti, almost every combination that will go with this particular dish. Some onions and और चिकन अभी अच्छी तरह से पक चुका है गार्निश भी मैंने कर दिया है आप टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना चिकन I'm geared up to have the chicken and tell you how it would taste obviously it's from Hyderabad so it's going to be a little spicy medium spicy as the chef said so let's check how this is Chicken is nice. I can even taste the ginger garlic in this. With these small pieces and the gravy is good. It's not too tight, it's not too soft or saucy. It's very nice. You can have this with rice, just plain rice and this. It's very nice and the tanginess of lemon. It gives you the kick at the end. You know, once you have this, once you finish eating, you'll get the taste. Bravo. Excellent. So, Chef, thank you so much for sharing with our viewers this particular authentic Hyderabadi recipe. And I hope that they like it and they will try it at home. Thank you. Ingredients required to prepare Hyderabadi morg korma. Chicken, 1 kg. Browned onion paste, about 120 grams. Salt to taste. Ginger garlic paste, turmeric about half a spoon, red chili powder, white sesame seed paste, peanut paste, grated fresh coconut paste, cashew nut paste, yogurt, cinnamon, bay leaves, cloves, green cardamom, coriander powder, cumin powder, lemon juice about 2 tablespoons, cooking oil. Method of preparation. Take about 200 ml of oil in a pan and add ginger garlic paste and saute it well. Followed by it, add all the whole spices and let them crackle and release their flavor into this dish. Now add all the paste including white sesame seed paste, peanut paste, grated coconut freshly ground paste, cashew nut paste, yogurt, chili powder, turmeric, and saute the mixture well till nicely done. Also add some water while stirring the mixture. Once the oil starts floating in the gravy, add about 1 kg of chicken to the mixture and stir well appropriately, ensuring that the gravy covers the chicken. Add some more water to the gravy. Cook the chicken for about 20 to 30 minutes. Open the lid and check if the oil floats. Once the chicken is cooked, add about 1 tablespoon of lemon juice. Delicious Hyderabadi morg korma is now ready to serve with onions and coriander as a garnish. We are talking about a meal, and a meal is used as a bridge to mark the importance of the event and also as a demo of the goodwill of the